हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर, रोथर जेलिस इज माय नेम। यूपी पहुंच चुके। सो जो कई बच्चे यूपी से स्पेशली या यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो, करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, शेयर जरूर करना अगर अच्छा लगे। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें। देखो यार, यूपी से हो या प्लान कर रहे हो यूपी में कॉलेज लेने का, तो यहां पर तुमने एक नाम सुना होगा, UPSEE। क्या है ये, किस बला का नाम है ये? एक कंडक्ट बॉडी है। किसकी? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूपी में अगर तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को लेना चाह रहे हो तो ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो मेक श्योर करेगी कि भैया पारदर्शिता रहे, किसी तरह की कोई धांधली ना, और लोगों को रैंकिंग वाइज कहीं ना कहीं ये मिले, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज मिले। तो जितने भी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हो, वो कौन देगा? कहीं ना कहीं इसके थ्रू होंगे, तो ये काउंसलिंग होगी। अब ये एक एग्जाम भी अपना करवाती थी, क्या UPSEE के नाम से ही होता था, उस एग्जाम को क्वालिफाई करो, उस एग्जाम में जो रैंक आएगी उसके आधार पर आपको ये मिलेगा। लेकिन भाई साहब हुआ क्या, लास्ट ईयर इन्होंने एग्जाम नहीं कराया, तो इन्होंने कहा कि हम जेईई मेन को ही अपना एग्जाम मानेंगे। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जेईई मेन करवा रही है, एनटीए करवा रहा है, उसको हम समझ लेंगे कि हमारा एग्जाम है, और जेईई मेन के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही हम आपको कॉलेजेस अलॉट कर देंगे। लेकिन कराएगा कौन? UPSEE, राइट। सो अब यहां पर UPSEE सिर्फ काउंसलिंग कर रही है, एग्जाम नहीं करा रही। एग्जाम कौन सा है? जेईई मेन को ही एक्सेप्ट कर रही है, राइट। जैसे कि मध्य प्रदेश में भी होता है MPDT, लेकिन महाराष्ट्र में MPT CET क्या होता है, वो एग्जाम भी करा रही है और खुद ही खुद काउंसलिंग भी करा रही है। BEPG क्या है? एग्जाम भी करा रही, काउंसलिंग भी करा रही। कॉमेट की क्या है? एग्जाम भी करा रही, काउंसलिंग भी करा रही है। लेकिन जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, ये क्या है? एग्जाम नहीं करा रही। कहा कि भैया इतनी हेडेक हमें नहीं लेना, जेईई मेन जो एनटीए कराता है ठीक है, मैं उसको ही एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन काउंसलिंग भैया हम अपने स्टेट के हम ही कराएंगे, राइट। समझ गए ना? तो अब यूपी में चलते हैं, पहुंच चुके हैं हम यूपी। IIT कानपुर, जबरदस्त कॉलेजेस, राइट। सो IITs, NIT, IIITs, GFTIs, यही बच्चों की सबसे पहले प्रेफरेंस होती है। तो जेईई मेन जिन्होंने भी दिया होता है और एक अच्छी रैंक होगी तो ये लिखेगा। लेकिन ये मिलेगा कैसे? जेईई एडवांस के थ्रू। क्यों? जेईई मेन्स के बाद क्वालिफाई करना पड़ता है जेईई एडवांस, और जेईई एडवांस की भी लास्ट डेट है कल, राइट, उसको भी देख लेना। तो जेईई एडवांस के थ्रू क्या मिलेगा आपको? IIT कानपुर मिलेगा। किसके थ्रू? जोसा काउंसलिंग के थ्रू, राइट। तो जोसा काउंसलिंग होगी, लेकिन IIT कानपुर क्योंकि चौथे पांचवें नंबर की रैंक का कॉलेज है भाई साहब, चौथे नंबर की रैंक का। और अब आप देख भी सकते हो 1960 का कॉलेज है, गवर्नमेंट 1000 एकड़ में फैला हुआ है, IIT, और उसमें भी टॉप 5 का IIT, राइट। सो अब यहां पर कॉम्पिटिशन कितना होगा तुम्हें भाई? अगर 5000 की रैंक होगी तो कुछ ब्रांचेस में तुम्हें बेसी लाले पड़े हुए हैं, मिलना ही नहीं है। 1000 की रैंक में लाले पड़े जाते हैं इस कॉलेजेस में, तुम्हें CS चाहिए नहीं मिलेगी। 1000 क्या ऑल इंडिया रैंक बोल रहे हैं जी, हाँ समझो, राइट। तो अच्छा कॉलेजेस है, जबरदस्त कॉलेजेस है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा कॉलेजेस है। अगर HSC DC की बात करें, अब हाईएस्ट से देखो मैं पहले क्लियर कर दूं, एक आध कोई हाईएस्ट चला जाता है मैं उसको काउंट नहीं करता हूं, लेकिन अगर हमने यहां पर बता दें तो इसलिए हमने दो दो यहां पर मेंशन किए हुए, इतना भी गया है कभी कभार, राइट। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, लेकिन सबसे ज्यादा है कि मतलब 1,20,00,000 का डोमेस्टिक मिल गया। डोमेस्टिक का मतलब समझो इंडिया में ही जॉब मिल गया, ये बड़ी बात है, आपको बाकी किसी कॉलेजेस में इस तरह का नहीं मिलेगा, राइट। इंटरनेशनली तो 2,00,00,000+ चला गया। तो ये अगर हम बात करें एडमिशन जेईई एडवांस के थ्रू, जोसा काउंसलिंग के थ्रू होगा। IIT BHU, वैसे तो एक ही स्टेट में एक ही IIT होता है, लेकिन यहां पर दो हैं, जी हाँ IIT BHU, लेकिन ये जो कॉलेजेस है ये 13, 14, 15 नंबर पे आती है रैंक इसकी, तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यस IIT है, हाँ। तो ये 1999 का कहीं ना कहीं 1999 बोल रहा हूँ, 1919 जलियावाला कांड, हाँ। सो उस टाइम पे ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट है, 1300 एकड़ में है, 13 रैंक है, और ये भी 2,00,00,000 का इंटरनेशनल पैकेज और 80,00,000 का डोमेस्टिक इसको मिला हुआ है। तो नो डाउट कॉलेज इतना बेकार नहीं है, क्यों, राइट। लेकिन कंपेयर करोगे कानपुर से तो यस कहीं ना कहीं ज्यादा रिपोर्ट डाउन है इसकी कंपेयर से। अब IIT BHU और ये जो होते हैं कि ज्यादातर जो टॉप 100 में होते हैं, सॉरी टॉप 10 में होते हैं, टॉप 20 में होते हैं, उनको रैंकिंग देने की जरूरत नहीं होती यार, मैं बच्चे मतलब ले लेते हो, लेकिन इनकी कुछ ब्रांचेस नो जबरदस्त होती हैं, बाकी कुछ ब्रांचेस में तो भाई साहब 10+ भी तुम्हारी रैंकिंग होगी ना तो भी मिल जाएगा। HSC TC की बात भी हमने कर ली, जेईई एडवांस के थ्रू ये भी मिलता है, जोसा काउंसलिंग दी जाती है। अब जोसा काउंसलिंग कैसे होती है ये मत पूछना, सारा बताया हुआ है, जाके देखना और बने रहना इसको। स्टूडेंट खबरी नाम का एक ऐप डाउनलोड किया है भैया, सारी काउंसलिंग जोसा हो, CSEB हो, यहां पर MPDT हो, या फिर UPSEE हो, BEPG हो, या कॉमेट को, सारी काउंसलिंग की डेप्थ इंफॉर्मेशन बताएंगे। और
ये भी बताएंगे कि कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच लेनी है नहीं लेनी, तो डाउनलोड कर लो जल्दी से, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, नहीं मिले तो प्ले स्टोर पे जाओ स्टूडेंट खबरी टाइप करो फटाक से भैया डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन शॉगिन करके देखो सर्च सर्च मारो और जा एक्टिव हो जाओ इसे एक मंथ के लिए, बता रहा हूं मतलब देख लो मेरी एमपीडीटी की पूरी वीडियो देखना समझना, 3 साल पुरानी 4 साल पुरानी, यू विल गेट टू नो कि जो कहा वो हुआ राइट। सो यार देखो जो मेरी तरफ से हेल्प बनेगी ना तुम्हें करूंगा दूंगा तुम्हारा भाई की तरह, और कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम की आईडी ROTHR, वीडियो को पोस्ट करो इंस्टाग्राम की आईडी देखो जाओ जाके अपना पूछ लो सवाल फॉलो सोलो कर लो तो हमें भी थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलता है ना। चलो कम टू द पॉइंट आते हैं, एनआईटी इलाहाबाद ये क्या है NIT, तो अब इसको JEE एडवांस देने की जरूरत नहीं, JEE मेंस के आधार पर ही हो जाएगा, एडवांस नहीं देना पड़ेगा, JEE मेंस के आधार पर हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा जोसा की काउंसलिंग ही अटेंड करना पड़ेगी। जी हाँ, जोसा की काउंसलिंग जब हम अटेंड करते हैं ना, तो अगर आपने JEE एडवांस JEE मेन दोनों दिए होते हैं तो 700 प्लस कॉलेजेस आ जाएंगे आपके पास ऑप्शन, और अगर नहीं दिए होंगे फिर राइट। सो यहां पर इस तरीके से रहता है वो, IITs आपके पास कम ऑप्शन आएंगे, क्लियर 700 प्लस कह रहा हूं सॉरी कभी कभी मैं धीमी धुन में बोल देता हूं, तो 400 प्लस आपके पास कॉलेजेस आ जाते हैं। सो अब अगर हम बात करें कितने कॉलेजेस हैं, सॉरी अभी मैं कहीं ना कहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन आप देख लेना, तो 222 एकड़ में है ये, 47 NIRF रैंकिंग इसकी, 47 मतलब टॉप 50 में ये आ रहा है, और अगर हाईएस्ट CTC की बात करें 1.18 इंटरनेशनली, 1 करोड़ प्लस गया हुआ है, 57 लाख का इसको डोमेस्टिक मिला हुआ है, और एवरेज जो है 17 लाख का है। JEE मेन्स जोसा की काउंसलिंग को होगा, JOSAA राइट। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें IIT इलाहाबाद, सो IIIT ये भी लगभग हर स्टेट में होता है यहां भी, लेकिन आपको दो मिल जाएंगे। सो यहां पर 1999 का है, गवर्नमेंट है, 100 एकड़ में है, 93 रैंक है, और टोटल इनटेक 440 करीब है, यहां पर भी 1 करोड़ प्लस का पैकेज मिला है, बट डोमेस्टिक के लिए या एवरेज के लिए कम था इसका, एवरेज की अगर हम बात करें तो 30 लाख का है। एडमिशन JEE मेन जोसा की काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। लखनऊ अभी नया कॉलेज है यार, ज्यादा सारी चीजें अभी नहीं हुई है, 50 एकड़ का कॉलेज है, बट यस पैकेज अच्छा मिला हुआ है, और एक और चीज पैकेज के साथ साथ अभी NIRF ने इसकी ऐसी रैंकिंग नहीं दी है क्योंकि नए ही कॉलेज देख पा रहे हो, बिल्डिंग से ही समझ में आ रहा है, बट फिर भी IIIT है राइट, नाम एक ब्रांड चलता है IIIT का। सो अगर हम बात करें RGIPT, देखो यार ये भी एक ना गवर्नमेंट कॉलेजेस है, अब आपको NIT तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक अच्छा ऑप्शन होता है, 182 रैंक है। सो आपने हरकोट बटलर सुना होगा, आपने IIT KNIT, अभी वो कॉलेजेस भी आएंगे बाद में, उसके बारे में भी बात करेंगे, तो ये कॉलेजेस भी एक ऑप्शन मेरा तैयार, इसकी कुछ ब्रांच ना जबरदस्त है, लेकिन अब देखो मैं एक कॉलेजेस को रैंकिंग वाइज नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक कॉलेज की ब्रांच, हाँ बार बार ये चिल्ला चिल्ला के थक जाता हूं मैं कि टॉप 100 में है, वहीं पर उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच टॉप 100 से बाहर है। ये देखिए 480 इसका इंटेक है, 20 का हाईएस्ट पैकेज था इसका 30 लाख का, 10 LPA का, 10 लाख का करीब करीब इसका एवरेज है राइट। JEE मेंस JEE एडवांस ये आपको देना पड़ता है राइट, इसके लिए अगर हम बात करें हरकोट बटलर, अब ये क्या है हरकोट बटलर इसका फुल फॉर्म है, ये एक यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है, मतलब ये जो एग्जाम कराएगी सारी चीजें कराएगी, ये खुद ही अपना एग्जाम भी कराएगी, खुद ही अपनी काउंसलिंग भी कराएगी, इसको लेना देना नहीं है ना जोसा से लेना देना है और ना ही UPSEE से लेना है, ये खुद की एक काउंसलिंग कराएगी राइट। सो इसको HBTU काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है, ये देखिए ये HBTU काउंसलिंग एस्टेब्लिश हुआ था 1921 में, गवर्नमेंट है और करीब 340 एकड़ में है, NIRF रैंकिंग मान लो कि 300 के अंदर ही अंदर है, इनटेक है 475, CTC 43 लाख का, और अगर एवरेज की बात करें 3.3 लाख का। अब अगर हम बात करें JEE मेंस थ्रो HBTU काउंसलिंग, चलिए नेक्स्ट करते हैं IIT लखनऊ, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ये APG मतलब अब्दुल कलाम आजाद जो है यूनिवर्सिटी है ना उससे एफिलेटेड है। हरकोट बटलर किससे था, खुद की यूनिवर्सिटी से था, और ये IIT NIT किससे, समझ रहे हो ना, ये एक अलग है। तो यहां पर IIT लखनऊ जो है ये APG अब्दुल कलाम
यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ज्यादातर यूपी में स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोल लो या प्राइवेट बोल लो, वो किससे होंगे? एपीजी से होंगे एफिलेटेड, क्योंकि हर कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से तो होगा ना, राइट? वो सारी चीजें, राइट? तो एस्टेब्लिशमेंट कितना हुआ था 1984 में, गवर्नमेंट है 25 एकड़ में, 480 है, ये सारा एलपी आप देख सकते हो इतना था, राइट? एवरेज इनका सीटीसी 22 लाख का है, 12 लाख का है, एंड मीडियम 5 लाख का कुछ है ये। लेकिन जो होगा यूपीएसडब्ल्यूई की काउंसलिंग के थ्रू होगा। अब यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग क्या है पूछ मत लेना, नहीं तो उठा के सत्र देंगे हम। हाँ, तो अभी यहां पर जो यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग है वीडियो बनाई हुई है, और अब तुम्हें यूपीएससी काउंसलिंग भी समझना, अगर तुम यूपी से हो। आगे क्या होता है, यूपी से हो, हाँ तब वो बोलना नहीं चाह रहा हूं। सो यूपी से हो, यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग, अगर कोई डाउट है तो भैया स्टूडेंट खबरी ना एप से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। हाँ तारा भाई, क्या जोगिंदर नहीं क्या है यार वो, चलो ठीक है खैर छोड़ो। सो यहां पर अगर हम बात करते हैं ट्रिपल एम यूटी, तो हम इसके ट्रिपल एम यूटी के नाम से बड़ा मशहूर है कई चीजों में, बट यस कुछ ब्रांचेस की अच्छी है एज कंपेयर टू अगर हम आईआईटी केएनआईटी बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर मैं चूज करूंगा तो पहले मैं आईआईटी के बाद केएनआईटी लूंगा, तो इनमें उनमें टक्कर है, लेकिन कुछ ब्रांचेस की 2013 में हुआ था, क्योंकि नया कॉलेज जैसे गवर्नमेंट है 350 एकड़ में फैला हुआ, 900 का इंटेक है, और यहाँ पर 19 लाख का कहीं ना कहीं बना हुआ है, 5 लाख का एक एवरेज है। सो एमआईटी काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा, ये ट्रिपल एम की काउंसलिंग ही होगी, जैसे हार्कोर्ट बटलर की होती है इसकी अलग होगी, तो अगर जाना है तो आप देख लेना। केएनआईटी बस यस जबरदस्त कॉलेज है, आईईटी के बाद आप इसको चूज कर सकते हो अगर आप यूपीएसडब्ल्यूई की काउंसलिंग दे रहे हो तो। उस काउंसलिंग में दूसरे नंबर पर यह कॉलेज आता है, गवर्नमेंट है 360 कहीं ना कहीं सीट है, 10 का आईएस पैकेज है, 4.5 मतलब 4-5 लाख का एवरेज एक है, और यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग के थ्रू ये आपको मिलेगा। बीआईटी झांसी बुंदेलखंड नाम है इसका, जी हाँ बुंदेलखंड झांसी। तो इसकी अगर हम बात करें 1989 का है, गवर्नमेंट है 240 एकड़ का है, टोटल 340 इंटेक है इसका, हाईएस्ट सीटीसी अगर बात करें 10 लाख का है, एवरेज सीटीसी 5 लाख का है, और ये भी यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग के थ्रू ही हो रहा होता है। अब यूपी टीटीआई कानपुर की बात करें तो इसको भी आप चूज कर सकते हो, पुराना कॉलेजेस है, हालांकि इतनी अपनी रेपो नहीं बना पाया जितना कई कॉलेजेस ने इसके बाद जो आए झंडे गाड़ दिए, बट फिर भी गवर्नमेंट है भैया तो चूज कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट में एक तो क्या होती है फीसिस कम होती है, और थोड़ा बहुत क्या है प्लेसमेंट बच्चों को मिल जाता है। अब कई प्राइवेट ऐसे होते हैं कि जिनको भट्टे के भाव कोई पूछ नहीं रहा है, तो उनसे तो अच्छी है। 1914 का कॉलेज जैसे गवर्नमेंट है, टोटल इंटेक 200 है, सीटीसी 15 लाख है, और मीडियम यहाँ 3.5 है। AITH कानपुर अगर इसकी बात करें तो अब यहां पर देखो हाईएस्ट फाइएस ये हमने काट दिया है, रीजन क्या है, हाईएस्ट तो ऐसा नहीं है लेकिन आप इसका ये समझ लो एवरेज एक मान लीजिए 5 लाख करीब है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में, गवर्नमेंट कॉलेजेस है 240 एकड़ में है, बाकी आप देख लीजिएगा। तो ये सारे थे यूपी के कॉलेजेस, कहाँ के कॉलेजेस, यूपी के कॉलेजेस, बाकी मैंने ये लिख दिया है। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी रोथर, कुछ पूछना हो तो जाओ जल्दी से पूछो अपना सवाल, रोथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। और एक और चीज, स्टूडेंट खबरी ऐप को जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि सारी काउंसलिंग आ रही है, सारी में जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली और कॉमेट के, हाँ 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 बेब जी, MHTCD, सारी चीजें बताऊंगा, जाओ जल्दी से डाउनलोड करो। और कुछ पूछना है यूपीएसडब्ल्यूई की काउंसलिंग के साथ भी तुम्हारे साथ बना रहूंगा, सारी चीजें तुम्हें बताता रहूंगा, तो जाओ सब्सक्राइब कर लो इस लाल बटन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।